Welcome, students. So, today we'll continue the new topic that is gravitational potential energy. Uh, we are not discussing the topic that is acceleration due to gravity because it has been removed by the CBSC for this particular session. So, acceleration due to gravity above the Earth, acceleration due to gravity below the Earth, this topic uh, has been removed by the CBSC for this session. So, we are not studying those topics which has been removed so the next topic that we are going to start today is gravitational potential energy okay okay so we are studying the gravitational potential energy now let's see what is the gravitational potential energy actually is okay so we know the force between for example, there is uh, a, there is Earth. Let me draw the Earth. So, for example, this is the Earth. Okay, so this is Earth, and there is an object. The object is lying on the surface of the Earth, and its mass is m, and capital M is the mass of the Earth. Okay and the distance between these two will be the radius of the earth so capital m is the mass of earth small m is mass of body and r is radius of earth now

इन्फिनिटी से उठा के आप यहाँ इस पोजीशन पे इसको लेके आए तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ दैट डन इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम वर्क करते हैं सो दैट वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम इस ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी से इस पोजीशन पर लेके आए हैं तो दैट वर्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द डेफिनेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट एग्जैक्टली इट इज इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन In bringing the object from infinity to that point. okay so this is actually the gravitational potential energy it is denoted by capital u it is actually equal to work done in bringing the object from infinity to that point which is at a distance of r now that means we have to find this work done now we will find this work done infinity to r and we know the work done is equals to force into displacement and as the

मतलब फोर्स कॉन्स्टेंट है नहीं फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, तो उसके लिए वर्क इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स यहाँ पर फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है इट इज नॉट कॉन्स्टेंट दैट्स वाई यूज दिस फॉर्मूला एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन और इस फॉर्मूले के यूज से हम वर्क डन निकालेंगे ठीक है अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं फोर्स की और फोर्स की वैल्यू क्या है फोर्स इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर आर इज द वेरिएबल डिस्टेंस डॉट डी और इंटीग्रेशन आर वन आर वन कहा है इन्फिनिटी पे इनिशियली ऑब्जेक्ट और आर मतलब फाइनली कहाँ पर है आपका कैपिटल आर डिस्टेंस पे आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं अब जी एम एम ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और फाइनली वन अपॉन आर स्क्र डी आर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको और इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन बायर तो जी एम एम और फाइनली आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई माइनस वन और इस वैल्यू में हम लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट हम पुट करेंगे दैट इज इनिशियली इनफाइनाइट फाइनल आर पर था ठीक है तो ये लिमिट पुट करने के बाद फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस वन बाय आर और माइनस वन बाय इन्फिनिटी दैट इज माइनस माइनस वन बाय इन्फिनिटी तो माइनस वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमारा आएगा दैट विल बी माइनस जी एम दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रखा है ना इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एक्चुअली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बट एक्चुअली इट इज एट ये अगर आपकी अर्थ है और ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास तो अर्थ के सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करोगे और मान लो ये वाली डिस्टेंस है आपकी आर स्मॉल आर तो उस केस में आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे अपन यू से डिनोट करते हैं U will be equal to minus G M M upon small r. तो डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और अगर सिंपल वे में अगर, अगर अपन बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो ऑब्जेक्ट की अगर एक ऑब्जेक्ट है आपका M1, दूसरा ऑब्जेक्ट है M2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है अगर x, इस तरह का कोई सीन दे रखा है तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ऊपर से क्लियरली दे सकते हैं अपन कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम वन एम टू और दोनों फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी पहला मास दूसरा मास अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स ओके सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज वी We'll discuss this particular question. Example 8.3. You can see this is the example that we are going to solve for this particular question. Just find the potential energy of a system of four particles placed at the vertices of a square of side l. As you can see in this uh, figure, there are four ma four masses. जो अटाइसिस पे रखे आपके स्क्वायर पे तो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम देखो पहला मास है ये एम वन और दूसरा मास जो अपन लेके आए एम टू जब एम वन और एम टू हम लेके आए और मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई आपकी एल तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी U1 will be equal to minus G M1 M2 upon L. ठीक है अब उसके बाद आपने क्या करा आप एक और मास लेके आए यहां पर ये M3 है दिस इज M3. अब ये M3 अगर आप लेके आए तो इसके दो पेयर बनेंगे एक M2 के साथ एक पेयर बनेगा आपका M2 के साथ और दूसरा बनेगा M3 के साथ ठीक है और ये वाली डिस्टेंस भी L है चूंकि स्क्वायर है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी रूट एल ठीक है थ्योरम से निकाल लिया तो अब जब दूसरा आप लेके आ गए दूसरा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी दो आ गई एक तो हो जाएगी माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन एल और माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन रूट टू एल ठीक है ये दूसरे के आ गए अब सिमिलरली अगर आप थर्ड मास लेके आएंगे यहाँ पर यहाँ पर आप तीसरा मास लेके आए m4 जब आप तीसरा मास लेके आए तो अब इस तीसरे मास का बाकी तीनों मासेस के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे m4 m3 और इसके साथ m2 के साथ अब चुकी ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस l है ये l है, है और ये डिस्टेंस भी √2l होगी जैसे पहले हमने निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से अब तीसरा मास जो M4 लेके आए तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे U3 थ्री दैट इज इक्वल्स टू कौन कौन से पेयर बन रहे हैं देखो आप ऊपर पेयर देखो एक तो M4 और M2 का बन रहा है U3 थ्री में यहाँ की बजाय थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर देख पाएंगे हम कि कौन कौन से हैं तो अगली बात करते हैं हम U3 की जब हमने M4 को लेके आए तो एक तो बन गया आपका माइनस जी एम और एम के साथ पेयर बन गया और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एल एक तो ये हो गया आपका इसके बाद एम फोर एम थ्री फिर एम फोर और एम टू के साथ भी पेयर बन रहा है तो एम फोर एम टू एम फोर लिखा हमने और फिर एम टू लिखा और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है रूट टू एल फिर माइनस करके एम फोर और एम वन तो फिर हमने लिखा माइनस जी एम फोर एम वन और यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी एल ओके okay, तो यहाँ पर ये यू वन यू टू और यू थ्री तीनों लिख दिए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपसे क्वेश्चन में पूछी है तो टोटल क्या होगी ये तो हमने हर एक मास को हम लेते गए पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो U टोटल अगर आपसे पूछी पूरे सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी तो हम क्या बोलेंगे U1 वन प्लस यू प्लस U3. तो तीनों जो हमने निकाला है उन तीनों को ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू द आंसर सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन नाउ द नेक्स्ट इज स्केप वेलॉसिटी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्केट एग्जैक्टली द स्केप वेलॉसिटी इज किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर ये आपका अर्थ है और यहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा क्लियरली आपके माइंड में आएगा कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा ठीक है तो आप अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उस ऑब्जेक्ट को वापस बुलाएगा लेकिन हम क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से आप फेंको कि ये वापस आए नहीं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए और अर्थ के सेंटर पे कभी भी वापस नहीं आए तो ये काम करने के लिए जो आपको वेलोसिटी की जरूरत है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी तो अगर स्केप वेलोसिटी को मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच An object must be thrown so that it can overcome Earth's gravitational pull. Earth's gravitational pull. वेलोसिटी का फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं हम। अब आप क्या करेंगे जब आपने अर्थ पे से उसे फेंका तो आप वेलोसिटी देंगे ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देंगे मतलब आप काइनेटिक एनर्जी देंगे कुछ न कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ इनिशियल आप प्रोवाइड करेंगे तो अब जो काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियल प्रोवाइड करेंगे वो कितनी सफिशियंट होना चाहिए जो इनिशियल काइनेटिक आप प्रोवाइड करेंगे दैट मस्ट भी सफिशियंट कि वो ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से लेके इन्फिनिटी पर ले जाए देखिए ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा रहा है इसका मतलब हमें इन्फिनिटी पे भेजना है तो दैट बी इक्वल टू वर्क डन इन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट और इन रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब जहां पर सिचुएटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी ठीक है तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट को सरफेस पे जो रखा है वहां से लेके तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और अभी मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है तो एफ डॉट डी आर फॉर्मूला हम यूज करेंगे आर वन और आर टू बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आर वन जो है वो अब आपका अर्थ की सरफेस पे है तो डिस्टेंस रेडियस जो होगा डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा और फाइनली हमें इन्फिनिटी पे भेजना है जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी तो वहां उल्टा था इसका आर वन आपका इन्फिनिटी था और आर टू आर था यहाँ पर उल्टा हो गया क्योंकि हमको सरफेस से इन्फिनिटी पे भेजना है तो फिर से हम देख लेते हैं तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया था जी एम एम माइनस वन बाय आर ये ऑलरेडी डेरिवेशन अपन कर चुके हैं इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ पूरा डेरिवेशन तो ऑलरेडी मैं ये इंटीग्रेशन सिंपल कर चुके हैं हम पिछले केस में एफ डॉट डी तो एफ की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा एफ इज ग्रेविटेशनल पुल तो जी अपॉन आर स्क्वेर डॉट ये एक्चुअल में है ठीक है आर से आर तो इसका इंटीग्रेशन माइनस वन होता है पिछली टॉपिक में अपन ने देखा था तो यहाँ पर इनिशियल लिमिट लिमिट आ आ फाइनल तो फिर लिमिट हम पुट कर देंगे ये जी एम एम पहले अपन माइनस वन इन्फिनिटी फिर माइनस माइनस वन बाय आर इस तरह से अपन लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल वन बाय इन्फिनिटी जीरो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनल इसका आंसर आ रहा है जी एम एम बाय आर

ठीक है तो यहां से आप वी की वी की वैल्यू एक तरह से निकाल सकते हैं दैट वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर ये एक फॉर्मूला है आपका इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट रखा है ठीक है तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगता है तो फोर्स लगता है एम जी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है वो लगता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ये दोनों फोर्स इक्वल है एक ग्रेविटेशनल न्यूटन के थर्ड लॉ से और एक न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से तो इन दोनों से अगर आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विच इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर ओके सो दिस इज कैपिटल जी एम अपॉन आर तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया अब हम इसको जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्चुअल में जी अपॉन अपन आर स्क्वायर करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे देखिए वीई इज इक्वल टू अंडर उम अपन आर है तो हम क्या करते हैं आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं उससे फायदा क्या होगा उससे फायदा ये हुआ आपको कि टू जी एक् तो हो गया आपका इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन अंडर उ जी एम अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं अपन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू स्मॉल जी ये यहां पर देखो लिखा हुआ है तो इससे वीई का एक और फॉर्मूला आ जाता है इंपॉर्टेंट दैट वीई वीई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी कैपिटल आर मतलब किन किन चीजों पर वीई डिपेंड कर रहा है अगर आप देखो तो वी किन किन टीचों पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे रेडियस पे प्लेनेट के हर एक प्ले, प्लेनेट की अपनी एक वेलोसिटी होती है इसका मतलब पहली चीज आप कह सकते हो कि वीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी और सेकेंड चीज वीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर अंडर रूट ऑफ आर एंड अंडर रूट ऑफ जी मतलब जी के डायरेक्टली और आर के प्रोपोर्शनल है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास कितना भी हेवी ऑब्जेक्ट हो उसके इंडिपेंडेंट है थर्ड पॉइंट इज इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ माससो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल किसी भी एंगल से आप फेंक सकते हो डजेंट मैटर इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑल्सो अगर आप मून की बात करो तो एज मून पे जी की वैल्यू भी कम होती है और रेडियस भी कम होता है देअर फॉर स्केप वेलॉसिटी भी बहुत कम होती है यही एक कारण है कि मून हैज नो एटमोसफेयर कि जितने भी पार्टिकल्स हैं एटमोसफेयर पे हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी ऑफ एटमोसफेयरिक पार्टिकल इज ग्रेटर देन वी ई ऑफ मून ठीक है मून पर इसीलिए कोई एटमोसफेयर नहीं होता है एटमोसफेयर से स्केप कर जाते हैं देअ मून हैज नो एटमोसफेयर So this was about scap velocity.